और काला पीपल विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी 11,941 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। कुणाल चौधरी भारी अंतर से चुनाव हारे हैं। काला पीपल की काउंटिंग फिलहाल पूरी हो चुकी है, स्पष्ट नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक कुणाल चौधरी चुनाव हार गए हैं, दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। और बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम चंद्र बंसी ने उनको भारी अंतर से हराया है। तकरीबन 11,941 वोटों से कुणाल चौधरी हार चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काला पीपल विधानसभा से जहां पर काला पीपल की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी चुनाव हार चुके हैं, भारी अंतर से वो चुनाव हारे हैं। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम चंद्र बंसी ने उन्होंने करारी शिकस्त दी है, भारी अंतर से वो चुनाव जीते हैं। 11,941 वोटों से कुणाल चौधरी हार चुके हैं। कुणाल चौधरी की गिनती दिग्गज नेताओं में की जाती है, सिटिंग विधायक थे वो। और काला पीपल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है, मतगणना पूरी हो चुकी है, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी चुनाव हार गए हैं और बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम चंद्र बंसी ने उनको करारी शिकस्त दी है, चुनाव हराया है। और बता दें कि 11,941 वोटों से कुणाल चौधरी चुनाव हार गए हैं। और कुणाल चौधरी की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है, काला पीपल की काउंटिंग पूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें।